Daily Live, a platform to sharing your thoughts. चाहूँगा आपकी टीवी को जिसके माध्यम से जयपुर की जनता, हिंदुस्तान की जनता, बाहर की जनता इसको देखेगी। ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं बीबीसी बंगाली कल्चरल सोसाइटी का, ये हमारा 25वां साल है, यानी कि हम रजत जयंती मना रहे हैं। सन 1994 में केवल 10 लोगों ने मिलकर इसकी नींव डाली थी जो इसके फाउंडर मेम्बर थे, और आज की तारीख में हमारे पास 1000 से ज़्यादा कार्यकर्ता जुड़े हैं। ये प्रवासी बंगाली कल्चर सोसाइटी जो दुर्गा पूजा करती है वो केवल बंगालियों के लिए नहीं है, पूरे समाज के लिए, पूरे समुदाय के लिए है, और हमारे जो मेंबर्स हैं हिंदुस्तान से बाहर भी हैं। हमारी ये पूजा इस साल शुरू हुई थी पंचमी से, और 3 तारीख को पंचमी से शुरू हुआ थी, माँ के बोधन से, मतलब माँ का आह्वान किया था हमने, उनको बोधन किया था। उसके बाद षष्ठी पूजा के अंदर माँ को पूजा करने के साथ माँ की पुष्पांजलि वगैरह हम देते हैं। दुर्गा पूजा का महत्व इसलिए माना जाता है कि माँ अपने परिवार के सहित अपने ससुराल से अपने घर आती है यहाँ देखने के लिए, यहाँ पर क्या कठिनाई में लोग उनकी क्या मदद कर सकती है। महिषासुर मर्दिनी इसका नाम है, माँ दुर्गा का महिषासुर मर्दिनी का कारण ये था कि जब असुरों का संहार बहुत ज़्यादा हो गया था और इंद्र देवता के पास सारे देवता पहुँचे कि इनसे हम हाहाकार मचाया, तो शिवजी और विष्णु और महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास ये लोग गए, तो शिव जी ने एक पुंज तैयार किया, शक्ति पुंज तैयार किया था, वो माँ काली के रूप में, माँ काली ने उसका संहार किया जैसे असुर का और महेश का, इसलिए इनका नाम महिषासुर पड़ा। लेकिन माँ का रूप बहुत उग्र हो गया था, तब जाके माँ को फिर उन्होंने शिव जी के वरदान से माँ का रूप दिया गया, मतलब उनको शांत मुद्रा दी गई, तो वो काली से फिर वो दुर्गा के रूप में आ गई, और अब हम जो करते हैं वो दुर्गा पूजा के रूप में, मतलब माँ हम सबकी रक्षा करती है। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो दुर्गा पूजा यहाँ पे होती है वो हमारी राजस्थान की सबसे बड़ी दुर्गा पूजा है। हम पहले, ये हमारी पहली सोसाइटी है जो वेबसाइट पर उपलब्ध है, और हमको इसमें दान देताओं के लिए हमारे से इसमें इनकम टैक्स की छूट भी हुई है। तो हमने पिछले 25 साल से, मेरा कार्यकाल एज ए प्रेसिडेंट 19 साल से ज़्यादा हो गया, हमने पिछले 25 साल से ये कोशिश की है कि सारे समाज को, समाज के लोगों पे बंगाल की संस्कृति को जागृत रखें, और उसके लिए हमें यहाँ से सारे लोगों से मदद मिलती है। आज नवमी का दिन है, नवमी में, नवमी की पूजा बहुत महान पूजा होती है, कारण इस दिन माँ का बाल्य रूप माना जाता है सुबह, और माँ के 9 कन्याओं की हम पूजा करते हैं बालिका के रूप में, बाल्य रूप में, माँ के रूप। तो आज हमने भी यहाँ पे कन्या पूजन किया, 9 बच्चों का, उनको हमने आरती की, उनकी पूजा की, उनको कपड़े दिए, उसके बाद यहाँ पर पुष्पांजलि हुई, भोग का वितरण हो गया, करीब 2000 लोगों ने बैठ के यहाँ पर प्रसादी लिए। उसके बाद जो
पूजा का जो कार्यक्रम वो संपन्न हुआ, उसके साथ होम के साथ होम करीब 1.5 घंटे होम चलता है, होम में आहुति दी जाती है भगवान के नाम पे, माँ के नाम पर। अभी जो हम चल रहा है, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे आरती हुई है और अभी यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम चल रहे हैं। इस कार्यक्रम में ज़्यादातर लोग हमारे PBCS के जुड़े हुए हैं, कुछ लोग कलकत्ता से आए, कुछ लोग कई लोगों से आए हैं। सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण चीज़ और है, आज हम सीनियर सिटीजन्स सीनियर पर्सन जो हैं हमारे जो जुड़े हुए हैं हमारे PBCS से, उनको हम सम्मानित करेंगे, फेलिसिटेट करेंगे। इस श्रृंखला में इस साल हम डॉक्टर करण सिंह यादव जो कि भूतपूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जाने माने कार्डियोथोरेसिक सर्जन हैं, उनको हम फेलिसिटेट करेंगे और दूसरी हमारी महिला श्रीमती साधना सरकार को फेलिसिटेट करेंगे। उसके बाद हमारा 2 लकी ड्रॉ होगा, बाकी रंगारंग कार्यक्रम के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। कल विजयादशमी है, विजयादशमी वो पर्व है जब खुशी का पर्व मनाया जाता है, लेकिन उस दिन ये होता है कि माँ वापिस अपने ससुराल चली जाती है, तो सबसे पहले माँ का विसर्जन जो होता है दर्पण विसर्जन के साथ होगा। एक बड़े कांसे की थाली में पानी भर के माँ के सामने रख देंगे नीचे ज़मीन पर, माँ का प्रतिबिंब उसमें देखते हैं, उसके बाद ही माना जाता है माँ सपरिवार अपने साथ लेके ससुराल चली गई है। उसके बाद यहाँ पर पारितोषिक वितरण होगा, सिंदूर खेला होगा। सिंदूर खेला का मतलब होता है कि महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, उनकी कामना करती हैं उनको दीर्घायु सुख समृद्धि मिले। उसके बाद हम यहाँ से प्रोसेशन ले जाएंगे माँ का, चारों उनके साथ माँ दुर्गा के साथ कार्तिक लक्ष्मी गणेश और सरस्वती जाएंगी और ये विसर्जन हम नेपटावे करेंगे। उसके बाद हम वापस आएंगे 9 बजे और शांति जल लेंगे। इस तरह से हमारी दुर्गा पूजा संपन्न होगी। तो ये हैं डॉक्टर सरकार जिनके प्रयासों से यहाँ जे क्लब में ये भव्य आयोजन किया जा रहा है और यहाँ आप देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत माँ दुर्गा की यहाँ पर ये मूर्ति बनाई जाती है और हमेशा ये जो पारंपरिक कलाकार हैं उनकी ओर से ये यहाँ पर भगवान ये देवी माँ की ये मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई जाती है और पारंपरिक तरीके से इनकी पूजा होती है और शाम को महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। और इस सफ़र को आप देखेंगे कि 10 लोगों ने 25 साल पहले शुरू किया, अब 1000 से ज़्यादा इसके सदस्य हैं और शहर भर से सभी समाजों के लोग, सभी धर्म जातियों के लोग भी यहाँ पर इस आयोजन को देखने के लिए आते हैं। महोत्सव में लोग परिवार के साथ यहाँ आते हैं, दुर्गा पूजा में शामिल होते हैं, साथ ही परिवार के साथ एंजॉय करके आनंद लेते हैं। आप बताइए कैसा अनुभव रहा है यहाँ पर? हम भी परिवार के साथ ही आए हैं, बहुत अच्छा लगा, यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। यहाँ पे लोग भक्ति भाव से आते हैं, पहली बात देवी माँ के आशीर्वाद, सबको सबकी मनोकामना कुछ ना कुछ होता है और नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर जो आज नवमी के दिन है, नवमी में लोगों में जो उत्साह है, लोगों को ऐसा लगता है कि अब माँ कल चली जाएगी, तो आज के रात तो नहीं छोड़ना चाहिए, आज तो देवी माँ की जितनी हो सके उतनी आरती करो, उतनी पूजा करो, उतनी आपको उपासना करो। और उसके साथ जब दोस्तों के साथ मिल के परिवारजनों के साथ मिल के हम उल्लासित होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा महसूस हुआ यहाँ कर? बहुत ही अच्छा लग रहा है, फैमिली के साथ आए हैं, बच्चों को लेके आए हैं, उनको एक मतलब अपने कल्चर के बारे में भी पता लग रहा है, तो ये बहुत एक बढ़िया माहौल है। आप पहले भी आए हैं यहाँ? हाँ, हमेशा हर साल आते हैं हम लोग यहाँ, बहुत अच्छा लगता है सारे माहौल, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे हैं, झूले वगैरह है, एंजॉय करते हैं, फंक्शन भी अच्छा लगता है सारे। आप क्योंकि बहुत व्यस्त लाइफ जीवन बहुत बिजी हो गया है, ऐसे में कुछ वक्त निकालना अपने आप के लिए भगवान के लिए कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही भक्ति भाव से आते हैं सब लोग और बहुत ही अच्छा लगता है सबको।
तरह का पूरा आयोजन है ये? अच्छा लग रहा है, हम लोग रहते हैं वैशाली में, हम लोग हैं असम से, ऑल वी ऑल असमीज, हमें यहाँ पूरा असम का माहौल मिल रहा है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आए हैं यहाँ पे, ये लोग पहले आ चुके हैं, मेरा यहाँ पहली बार है तो बहुत अच्छा लग रहा है। माहौल पूरा एकदम से, मतलब सब कुछ है, बच्चों के लिए झूले है, खाने का है, और माँ तो माँ है ही, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो यहाँ पर लोग अपने परिवार के साथ आते हैं, आनंद लेते हैं, खासतौर से माँ दुर्गा के यहाँ पर दर्शन होते हैं, और साथ ही अपने परिवार के साथ आनंद लेने के यहाँ पर आयोजकों की ओर से सभी इंतजाम किए गए हैं। A platform to sharing your thoughts.